नमस्कार किसान एवं बागवान भाइयों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब में जो था रिगार्डिंग ट्रेनिंग और प्रूनिंग मेथड से, जिसमें मैंने बताया था टॉल स्पिंडल मेथड के बारे में और वर्टिकल एक्सिस मेथड के बारे में। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज और कमेंट आए जिसमें मुझसे पूछा गया, सर जो टॉल स्पिंडल मेथड है उसमें जो हम ब्रांच है वो बिलो हॉरिजेंटल हमें कब रखनी चाहिए। अगर देखा जाए जो टॉल स्पिंडल मेथड है उसमें ब्रांच बिलो हॉरिजेंटल ही रखते हैं, एग्जैक्टली जो होता है वो बिलो हॉरिजेंटल ब्रांच रख के ही होता है। जितने भी मैंने अभी तक M9 के ऑर्चर्ड्स विजिट की है तो सभी ने उसमें टॉल स्पिंडल किया है और जो ब्रांच है वो बिलो हॉरिजेंटल बेंड की हुई है। लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था सीडलिंग के ऊपर जो रॉयल था लगा, उसमें मैं बता रहा था कि हॉरिजेंटल आप टॉल स्पिंडल में ब्रांच रख सकते हो। वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर आप बिलो हॉरिजेंटल रॉयल के पेड़ में जाओगे तो जहाँ से आपने वो पूरी ऐसे बेंड की है हॉरिजेंटल है, उसमें वाटर शूट बहुत ज़्यादा स्प्राउट हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे वाटर शूट, तो आपको बार बार वो पिंच करनी पड़ेगी। अगर आपने हॉरिजेंटल रखी है तो थोड़ा वो जब पूरी परफॉर्मेशन उसमें हो जाएगी और जब फ्रूटिंग होगी तो थोड़ा सा वो खुद ही बेंड हो जाएगी, हल्का सा मान के चलिए बिलो हॉरिजेंटल हल्की सी वो चले जाएगी उसमें जब फ्रूटिंग हो जाएगी। और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें आप जो ब्रांच है वो बेंड कर सकते हैं 35 से 40 डिग्री जो एंगल है उसमें आप उसे बेंड कर सकते हो ताकि इस परफॉर्मेशन अच्छे से उसमें हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें टॉल स्पिंडल कौन सी वैरायटीज़ में करना चाहिए, किस रूट स्टॉक में करना चाहिए और जो वर्टिकल एक्सिस है वो हमें किस तरह से करना चाहिए और कौन से रूट स्टॉक में करना चाहिए। आप ये किसी भी रूट स्टॉक में कर सकते हो। अगर M9 की बात यहाँ पे देखें तो उसमें बिलो हॉरिजेंटल हम जब करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ड्वार्फ रूट स्टॉक है M9 और जो उसके ऊपर हम वैरायटी लगाएंगे वो लगाएंगे जैसे विग्रस वैरायटी हो जाए। जब हम बिलो हॉरिजेंटल उसे रखेंगे तो उसमें परफॉर्मेशन इजीली हो जाती है बिलो हॉरिजेंटल रख के। अगर हम विग्रस वैरायटी में बिलो हॉरिजेंटल रख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा विग्रस है तो उसमें पीछे जो स्प्राउटिंग होगी वाटर शूट ज़्यादा होंगे तो वो आपको बार बार वो उसे उसमें आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी। 111 की अगर बात करें टॉल स्पिंडल आप उसमें भी कर सकते हो, पर अगर आप वर्टिकल एक्सिस करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप टॉल स्पिंडल के ऊपर जाते हो 111 के ऊपर बिलो हॉरिजेंटल आप ब्रांच को बेंड कर लेते हो तो वाटर शूट उसमें आएंगे, बस वही है कि आपको पिंचिंग करनी पड़ेगी। अगर वर्टिकल एक्सिस में आप करते हो तो पिंचिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, बस यही फ़र्क है इसमें दोनों मेथड्स में और ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है। स्पर वैरायटी में ये है कि अगर बिलो हॉरिजेंटल जाते हो तो स्पर फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। एक पेड़ के उदाहरण से मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे देखिए आप बागवान भाइयों, आप ये प्लांट देख सकते हो, ये सीडलिंग के ऊपर हैपके का मैंने ग्राफ्ट किया था तो एक साल का ही ये अभी प्लांट हुआ है, इस साल ग्राफ्ट किया था। और आप ये देखिए कि किस तरह में इसमें ये ब्रांचेज आ गई, टहनी आ गई है। तो इनिशियल दौर में जब ये ग्रो हो रहा था और जो ये ब्रांचेज थी ये एकदम इस तरह से ऊपर जा रही थी, सीधा लीडर को ये कंपटीशन दे रही थी। तो जब मैंने ये बेंड की, मैंने ये थोड़ा इस तरह से बेंड की, देखिए आप थोड़ी आपको ये नज़र आ रही होगी, ये इस तरह से वर्टिकल उसमें है, एक्चुअली ये इतनी होनी चाहिए थी, आप ये देखिए इस तरह से। तो ये वर्टिकल एक्सिस में बेसिकली आता है जब आप इस तरह से वर्टिकल इसमें ब्रांच को बेंड करोगे, ये भी वैसे वर्टिकल एक्सिस है। और जो टॉल स्पिंडल मेथड है हमारा उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि जो ये टहनियाँ होती है वो हमें बिलो हॉरिजेंटल इस तरह से बेंड करनी पड़ती है। आप देखिए ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, इस तरह से हमें वो बेंड करनी पड़ती है। तो इसमें मैंने टॉल स्पिंडल इसलिए नहीं किया, एक तो सीडलिंग विग्रस है और ऊपर से जो ये हैपके लगा है ये भी विग्रस वैरायटी है। इससे मुझे क्या होगा कि अगर मैं टॉल स्पिंडल में जाता हूँ और बिलो हॉरिजेंटल इसे बेंड करता हूँ तो यहाँ पे स्प्राउटिंग हो जाएगी और जो वाटर शूट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, फिर मेरा एक तरह से आप मान के चलिए कि काम बढ़ जाएगा, बार बार मुझे फिर वो पिंच करते रहना पड़ेगा जो वाटर शूट आया है। अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में जाता हूँ तो जो वाटर शूट है वो थोड़े कम आएंगे, स्पर भी यहाँ पे कहीं देखने के लिए मिलेंगे और जो वाटर शूट है वो काफ़ी ज़्यादा
ग्रो नहीं होंगे, कम ग्रो होंगे, तो हल्के हल्के मुझे वो पिंच करने पड़ेंगे। टॉल स्पिंडल में वही एक दिक्कत आती है, अगर ज़्यादा विग्रेस वैरायटी है कि वाटर शूट काफ़ी ज़्यादा आएंगे, फिर बार बार आपको पिंच करते रहना है, फिर जो वाटर शूट की ग्रोथ है उसे भी कंट्रोल करना है ताकि वो उसमें स्पर फॉर्मेशन हो जाए। तो बेसिकली टॉल स्पिंडल वही है जहाँ पर हम बिलो हॉरिजॉन्टल जाते हैं। तो आप कर सकते हो, पहले आप ट्राई कीजिए, खुद देखिए कि किस तरह से होता है, तभी जाके आपको ये जो मेथड्स है ये समझ आएंगे आपको। ये देखिए, अगर मैं दिखाऊं ढंग से प्लांट, इसमें चार ब्रांचेज है, आप देखिए ये मैंने सारी बेंड की है, ये थोड़ी हल्की सी छोटी सी ब्रांच यहाँ पे निकली थी, इसको मैंने आगे से कट किया है आगे से टिप इसकी ताकि ये थोड़ी ग्रोथ ले ले, और एक ब्लॉक यहाँ पे बन जाएगा फिर पांच ब्रांचों का मेरे को, फिर मैं कोई डेढ़ दो फुट के बाद एक ब्लॉक ऐसे पांच ब्रांचेस का और बनाऊंगा। तो इस तरह से ही मैं नए तरीके से इसमें चलूँगा। आप ये देखिए, सारी वर्टिकल एक्सिस में मैंने ये ब्रांचें बेंड की है। जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था यूट्यूब में वो था रॉयल का पेड़ था, उसमें मैंने बताया था कि टॉल स्पिंडल आप इस तरह से कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल आप ब्रांच उसमें रख सकते हो। तो मेरा मानना था कि जब इसमें स्पर फॉर्मेशन हो जाएगी और फसल लग जाएगी तो हल्की सी थोड़ी ये खुद इस तरह से बिलो हॉरिजॉन्टल जा सकती है, पर अगर देखा जाए जो टॉल स्पिंडल का तरीका है वो यही है कि आपको ब्रांच बिलो हॉरिजॉन्टल रखनी पड़ती है। अगर सीडलिंग के ऊपर आप करते हो तो उसका एक ये ड्रॉबैक रहेगा कि जो वाटर शूट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। अगर आप वो मैनेज कर सकते हो, टाइमली पिंच कर सकते हो, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। आप दोनों तरीकों में से ये कोई भी कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि किस तरह से मैंने क्या है। तो इस वीडियो में बागवान भाइयों बस इतना ही, जितना मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।